हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द बटन बॉक्स क्वेश्चंस एंड आंसर ओके इंग्लिश क्लास थर्ड हम इस चैप्टर का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे हियर फर्स्ट वन इज़ गिवन राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आपको क्या करने हैं पोएम में दिए गए जितने भी पोएम दिए गए हैं ठीक है थीके? उसको देख आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं ठीक है थीके? जैसे पहला दिया गया है वर्ल्ड वर्ल्ड राइमिंग वर्ड क्या होता है राइमिंग वर्ड ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं उसी के सेम वॉइस लास्ट में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड जैसे कि ओल्ड द राइमिंग वर्ड्स फॉर दिस विल बी गोल्ड ठीक है ओल्ड राइमिंग वर्ड फॉर दिस विल बी गोल्ड ओके हियर सेकेंड इज बॉक्स द राइमिंग वर्ड्स फॉर दिस सॉक्स ओके थर्ड वन इज गिवेन रेप्स third is rips and rhyming word for this word is Gyps okay fourth one is shirt and rhyming word for this dot okay six white and rhyming word for this bright seven is square rhyming word for is uh, for this is beer. eight red the rhyming word for this is fed okay बी आंसर दिस क्वेश्चंस बी दिया गया है कुछ क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन ठीक है इसका हम आंसर uh, देंगे ओके तो पहला क्वेश्चन दिया गया है द पोएम इज अबाउट ए बॉक्स वाट डज द बॉक्स है मीन्स जो एक कविता है एक बॉक्स के बारे में है ठीक है तो एक्चुअली उस बॉक्स में क्या क्या थे या क्या क्या था ओके तो आंसर है द बॉक्स हैव थ्री एंड नीडल्स बटन्स एंड जिप्स ओके उस बॉक्स में क्या कहते हैं थ्री डीस धागे थे सुइयाँ थी बटंस थे और कुछ जिप्स थी ओके क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है डी okay? ए टू एस दो नॉट मेड ऑफ ए गोल्ड वॉट डज डियर मीन हियर ओके मीन्स डी एर टू एस मीन्स की ये मेरे लिए काफ़ी प्रिय है या ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है दो नॉट ए नॉट मेड ऑफ ए गोल्ड वो बॉक्स है जो पोइट था वो कह रहा है कि ये बॉक्स मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है चाहे वो गोल्ड का नहीं बना है लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर तो आंसर है द बॉक्स इज लव्ड एंड इम्पॉर्टेंट जो पोएट था उस बॉक्स से क्या करता था काफ़ी प्यार करता था और वो बॉक्स उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ओके हियर क्वेश्चन नंबर थ्री द पोएट कॉल्स इट एंड ऑट बटन बॉक्स बिकॉज मींस जो पोएट था कभी था इसको क्या बुलाता था ऑट बटन के बॉक्स के नाम से बुलाता था क्योंकि आंसर इट्स लुक फनी एंड ऑड क्योंकि वो बॉक्स जो था काफी फनी दिख रहा था और अलग दिख रहा था ओके हियर क्वेश्चन नंबर फोर वेयर इज द बॉक्स केप्ड मींस जो बॉक्स था वो कहाँ पर रखा गया था आंसर है द बॉक्स इन द कपबोर्ट आई बब द सॉक्स ओके जो बॉक्स था एक कप बोर्ड में रखा गया था एक अलमारी में रखा गया था एक सॉक्स के ऊपर ओके ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव फ्रॉम द लास्ट स्टैंड ऑफ द पोएम राइट वर्ड्स दैट बिलोंग इन दिस रोज ओके तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे कि कलर सैप साइज एंड कंपेरिजन तो इसके जो बिलोंगिंग है उस वोट को हमें लिखना है जैसे कलर दिया गया है तो बटन्स जीप और नीडल्स ठीक है बटन्स या जीप हैं जो वो बटन्स किस किस किसके कलर के थे आप देख सकते हैं पोयम में आप पढ़ सकते हैं ठीक है ब्लू कलर का था बटन ठीक है ब्राउन कलर का व्हाइट कलर का रेड कलर का ओके जो बटन्स थे ओके कौन कौन से कलर के थे ब्लू ब्राउन व्हाइट एंड रेड ओके तो आप लिख सकते हैं कलर से रिलेटेड वर्ड आप लिख सकते हैं ओके सेन कौन से थे स्क्वायर था ठीक है स्क्वायर था राउंड था आप राउंड भी लिख सकते हैं ठीक है साइज कौन कौन सा था छोटा साइज था राउंड साइज था बिग साइज था सा, बड़ा साइज था छोटा साइज था और राउंड साइज था ओके और कंपरीजन किसका किससे हो रहा था जो वो बटन्स थी वो किससे कंपरीजन हो रहा था कुछ बीटल से और कुछ भालू से मतलब बीयर से कंपेरिजन हो रहा था ठीक है तो आप इस तरह से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो so मच